के किसी के बच्चे, मैंने इसीलिए शपथ पत्र दिया। यह है शपथ पत्र मेरा, प्रतिज्ञा पत्र, और इसमें मैंने हाईकोर्ट में एफिडेविट किया, पहला दुनिया का आदमी, यह एफिडेविट है मेरा। मैंने कहा कि सिर्फ 3 साल यदि बेटे की तरह बिहार एक बार पप्पू को बेटा मान ले, 3 साल में यदि दुनिया का नंबर वन बिहार नहीं होगा, मेरे पैदाइश में फर्क होगा, राजनीति छोड़ दूंगा। 3 महीने के अंदर मोती नगर से हर बेटी, मैं आपको वचन देता हूँ, 3 महीने के अंदर मोती नगर होने लगे। और मैं वचन देता हूँ, आपकी बेटी स्कूटी से अकेला पटना जाएगी, किसी ने छेड़ दिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो छेड़ने वाला जिंदा रहेगा। कोई लड़का मजदूरी नहीं करेगा 18 सालों तक, कोई पढ़ेगा पप्पू यादव के बेटे के स्कूल में, तब मेरा बेटा पढ़ता, और जब तक गरीब का बेटा पढ़ेगा, पप्पू यादव की सरकार उसके परिवार को 18 सालों तक 4,000 रुपया महीना उस परिवार को देगी। इंटर के एग्जाम के बाद कोई भी बच्चे को, मिडिल क्लास के बच्चे को पैसा नहीं लगेगा, 8,000 रुपया जो बच्चा पढ़ना चाहेगा कंपटीशन तक, उस बच्चे को 8,000 हम उसके अकाउंट में डालेंगे जब तक वो पढ़ेगा। कोई कोचिंग में पैसा नहीं लगेगा, एक भी नहीं, कोचिंग फ्री, बिल्कुल फ्री, 2,500 रुपया में जो कोचिंग में लगता है वो नहीं लगेगा। जो बच्चे कंपटीशन के लिए, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 50 रुपया करेंगे माफ, और जो एग्जाम देने जाएगा बच्चे, बस पप्पू यादव की सरकार फ्री करेगा, किसी गरीब बच्चों को बस में भाड़ा नहीं लगेगा। ये सीधा है, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं आपको बहुत, एक मिनट भैया प्लीज, यार समय नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं भैया। जैसे ही मेरा आपको मैं लोन दूंगा, आते ही 6 महीने के अंदर जो घर में एक लड़का बैठा इंटर करके, 2 लाख से 10 लाख लोन, एक बच्चों को आप व्यापार करिए, दूध का, मखान का, मांस का, आप मुर्गी का, अंडा का, लेट का, टेम्पू का, 3 साल तक वो पैसा हम नहीं देंगे। 3 साल जब आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा, आप वो पैसा बैंक को लौटा दीजिएगा, मूलधन सूद ब्याज 1 रुपया पप्पू यादव किसी से नहीं। बहुत क्लियर है, किसान के खेत में हम अनाज लेंगे, मंडी और बड़ा गोदाम हर अनुमंडल पर, मंडी हर ब्लॉक में, और बिचौलिया नहीं खरीदेगा किसान का अनाज, पप्पू यादव की सरकार खरीदेगा, जितना लागत लगाइएगा 20% अधिक पर। आप अपनी जिंदगी जिए, आप मुस्कुराइए, कोई आदमी दलाल और बिचौलिया नहीं जाएगा, हम गोदाम में रखेंगे आपका अनाज, बाजार और मोदी को, पप्पू बेचेगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़ाई है मेरी लड़ाई, इंटर के बाद हर बच्चों के बेटी को स्कूटी, इसको चुप कीजिए भैया प्लीज, स्कूटी को, और हर लड़कों को एक मोटरसाइकिल, आत्मनिर्भर बनने के लिए इंटर करते ही बच्चों को पप्पू यादव की सरकार से स्कूटी और मोटरसाइकिल निश्चित तौर पर हम देंगे, ताकि वो आगे बढ़ सके। गरीब के घर में लड़की जैसे पैदा लेगी, 1,00,000 रुपया महीना हम फिक्स कर देंगे, जैसे पैदा लेगी। बहुत क्लियर है, संविदा वेतनमान क्लियर, कंप्लीट खत्म, वित्त रहित प्रोफेसर को वेतनमान आते ही सबसे पहला सिग्नेचर, सबसे पहला, सिपाही भर्ती में कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, 10 का सर्टिफिकेट देखेंगे, फिजिकल लो, और सबको सिपाही में भर्ती कर, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। गरीब के बच्चों के लिए बहुत लड़ाई साफ है, बेटियों को 50% आरक्षण, जिसकी जितनी जनसंख्या, रेलवे खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र में सबको दे दिया, आएंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण, जिस जात की जितनी जनसंख्या होगा उतना आरक्षण।